भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने राहुल गांधी के शहडोल दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने वाले राहुल गांधी आज ओबीसी वर्ग की चिंता कर रहे हैं। भाजपा ने तो ओबीसी वर्ग से तीन तीन मुख्यमंत्री दिए हैं। आज मध्य प्रदेश आ रहे राहुल गांधी के कमलनाथ को पीछे कर ओबीसी वर्ग के किसी नेता को अपनी पार्टी का चेहरा बनाने का साहस दिखा पाएंगे या सिर्फ झूठ बोलकर राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे, उन्हें बताना होगा। देखिए, राहुल गांधी कल CWC की मीटिंग के अंदर ओबीसी वर्ग दलित वर्ग की बड़ी चिंता जता रहे थे। निश्चित तौर पे चिंता जताए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी जिसने मध्य प्रदेश के अंदर एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति अरुण यादव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर एक अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, जब राहुल गांधी की चिंता कहां गई? राहुल गांधी की बात करें तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कई ओबीसी वर्ग दलित वर्ग के नेता दावेदार थे, उनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों नहीं दिया? आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शेड्यूल के बिहारी आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या वो मध्य प्रदेश के शेड्यूल के अंदर किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को या किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे? क्या वो ये इतना साहस दिखाएंगे? क्या उनकी चिंता सिर्फ दिखावटी है? यदि बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने तो ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश में तीन तीन मुख्यमंत्री दिए, स्वर्गीय बाबूलाल बोर से लेकर उमा भारती, शिवराज सिंह जी चौहान, लेकिन क्या कांग्रेस में साहस है किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के चेहरे को आगे करने का, किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को चेहरे का आगे करने का? कांग्रेस में साहस नहीं। कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में CWC की बैठक में बैठकर, इसी कमरे में बैठकर सिर्फ दिखावटी और सपने दिखाने का काम करती है। यदि वास्तव में चिंता है तो कांग्रेस को राहुल गांधी को साहस देते हुए निर्णय लेना चाहिए। यदि बात करें तो पिछली बार प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने अपने भाषण के अंदर ओबीसी वर्ग के नेता अरुण यादव का नाम तक नहीं लिया। कमलेश्वर पटेल जो ओबीसी वर्ग से आते हैं मंच पर मौजूद, तो उनका भाषण तक नहीं कराया। तो क्या राहुल गांधी आज साहस दिखेंगे इन वर्ग के नेताओं को आगे करने का, उनको चेहरा बनाने का? तब तो लगेगा कि उनकी चिंता जायज है, अन्यथा उनकी चिंता सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की, वो प्रदेश की जनता।